गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एरर्स इन चेन। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। ओके, हम इस लेक्चर में कौन कौन से चेनिंग में एरर होते हैं वो करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था चेन सर्विंग क्या होता है, इससे क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, इसमें अलग अलग टर्म्स होती हैं, चेक लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, वो भी मैंने बताया, ठीक है। चेक लाइन जो होती है एक्यूरेसी, एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी जो एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो होगी आपकी बेस लाइन। ये देखो मेन बेस लाइन है ये, ठीक है, मेन सर्वे लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो हमने डिटेल्स लेनी है, जो हमारे मेन स्टेशन है उसको हमने कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ठीक है, जो मेन जो हमारे मेन स्टेशन है, ठीक है। जो हम बीच में स्टेशन देते हैं ना उसको क्या करते हैं हम स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, मेन स्टेशन को ही कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। और चेक लाइन आपको पता चल गई, ठीक है। और जो सपोज मेरे ये वाली बिल्डिंग थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टेशन ले लिया इस बिल्डिंग को ड्रॉ करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, और ये ट्री है, ट्री को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे कोई स्टेशन है, उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी स्टेशन और टाई स्टेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो ये स्टेशन को ये वाली लाइन ज्वाइन करती है बेस लाइन के साथ, है ना, टाई स्टेशन वाली लाइन को जब हम बेस लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, टाई लाइन कहलाएगी, और इसको क्या बोलते हैं, टाई स्टेशन। और ये बीच में चेक लाइन आप एक्यूरेसी चेक करने के लिए लगाई है, ठीक है, ये बीच में जो भी ग्राउंड फीचर्स हैं उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, टाई लाइन्स लगाते हैं, ठीक है। ये भी पता चल गया स्टेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं, एंगल कैसा होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए, वो नो लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एरियाज है वो ट्रायंगल में होना चाहिए, स्मॉल एरिया के लिए होता है, ऑफसेट भी मैंने बताया, मतलब परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना चाहिए हमेशा, ठीक है, हम परपेंडिकुलर ऑफसेट यूज़ करते हैं, ये ऑफसेट्स है आपके, ठीक, क्रॉस स्टाफ है, ठीक है। ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, जो लोकेशन डिवाइसेस है वो रेंजिंग पोल्स, ड्राइविंग पैक्स, पिछले लेक्चर में मैंने ये इसकी पिक्चर्स भी दिखाई थी आपकी, रेंजिंग रॉड कैसी होती है, ठीक है, वुडन पैक्स कैसे होते हैं, एरोज कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारा मैंने दिखाया था, ठीक है। अब है आपका एरर्स इन चेनिंग। चेनिंग में एरर कैसे आते हैं, ठीक है, एक तो सैग होगी, मतलब हम चेन को अच्छे से नहीं बिछाते तो उसमें क्या आ जाती, सैग मीन्स वो ढीली पड़ जाती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, हमारी जो डिस्टेंस जो है शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंस लॉन्ग भी हो जाता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। क्या वो मतलब अगर सपोज हम सुबह के टाइम करते हैं तो मौसम ठंडा है तो चेन क्या कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और एक्सपैंड भी हो सकती है, ठीक है, इलॉन्गेट भी हो सकती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा सपोज काफ़ी ठंडा है, ठीक है, सुबह सुबह मौसम काफ़ी ठंडा है तो हमारी जो चेन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर हम मतलब जो हमारा सर्वे है वो लंबे समय तक चल रहा है, अगर हमने सुबह से स्टार्ट कर दिया और शाम तक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो सुबह के टाइम मौसम कुछ और था, दोपहर को और है और फिर शाम को कुछ और है, ठीक है, सुबह ठंडा था तो हो सकता है हमारी चेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और जब दोपहर को आ गया तो हो सकता है चेन जो है वो इलोंगेट हो जाए शाम के टाइम, फिर वो इसलिए हमारे क्या आते हैं, एरर्स आते रहते हैं, ठीक है, चेनिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, एरर्स इन चेनिंग, ठीक है। और कौन कौन से एरर होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम चेनिंग क्या होता है, चेन आपने पिछले लेक्चर में ही लगाए, ये सपोज मेरा कोई ग्राउंड सरफेस था, वहां पे मैंने स्टेशन ले लिया ए, ये मेरी सर्वे लाइन है, ठीक है, मैंने इसकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है, ये मेरी एक लाइन है,
इसका डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, किसका लीनियर मेजरमेंट इसकी क्या है, तो क्या करेंगे, एक चेन होती है, चेन आपने देखी, चेन इसमें लिंक बने होते हैं, ठीक है, ईच लिंक जो होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, एक मिनट में आपको उसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया? ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। ये आपका एरर इन चेनिंग, ठीक है। एक होता है पर्सनल एरर, कंपेंसेटिंग एरर और क्यूमुलेटिंग एरर, ठीक है। जो पर्सनल एरर होते हैं वो कौन से होते हैं, अगर हमारी पर्सनल एरर में क्या होता है कि अगर हमारी रेंजिंग रोड है वो प्रॉपरली ना हो, ठीक है, 90 डिग्री पे हमने वर्टिकली सेट ना करी हो, ठीक है, वो थोड़ी टिल्ट हो, वो हमारे क्या आएंगे, पर्सनल एरर आएंगे। अगर हमने रीडिंग जो है प्रॉपरली नोट नहीं करी तो वो पर्सनल एरर कहलाएंगे, ठीक है। रॉन्ग रीडिंग हो गया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रीडिंग फ्रॉम रॉन्ग एंड ऑफ चेन एक्सेट्रा, ठीक है। हमने सपोज जैसे मैंने बताया, हमने एंड टू एंड में वो चेन का डिस्टेंस 20 मीटर होता है, तो अगर हमने बीच में से डिस्टेंस ले लिया, काउंट कर लिया, रॉन्ग मतलब रीडिंग ले ली हो, ठीक है, आर पर्सनल एरर्स, दीज आर सीरियस एरर्स एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजिली, ये इजिली डिटेक्ट नहीं करे जा सकते बिकॉज हमने उसकी रीडिंग ही गलत पढ़ ली है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, केयरफुली काम करना चाहिए, Avoid such errors. तो हमें ध्यान से काम करना चाहिए, हमने रीडिंग अच्छे से पढ़नी है, हमारी रेंज रोड है वो बिल्कुल मतलब वर्टिकली प्लेस्ड हो, ठीक है, 90 डिग्री पे हो। तो ये क्या होते हैं, पर्सनल एरर होते हैं, ठीक है। एक होता है कंपेंसेटिंग एरर, दीज एरर्स मे बी समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, हेंस दे आर लाइकली टू कंपेंसेटेड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग। अगर हमने काफी ज्यादा रीडिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ एंड ऑफ चेन, ठीक है। अगर हमने मार्किंग जो है इनकरेक्ट कर दी हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन में नॉट बी करेक्ट थ्रू टोटल मेथड्स करेक्टेड, अगर हमारी चेन में कुछ फॉल्ट वगैरह हो या ग्रेजुएशन इन टेप में नॉट बी एग्जैक्टली सम थ्रू आउट, जो हमारी टेप है किसी टाइम वो मतलब स्टार्टिंग में अगर वो खराब हुई हो, ठीक है, तो उसमें क्या है ग्रेजुएशन का कुछ मतलब वेरिएशन हो, तो इन द मेथड ऑफ स्टेपिंग वाइल मेजरिंग स्लोपिंग अराउंड प्लम्बिंग में भी ग्रुप, मतलब हमने अच्छे से मतलब ना उसकी मेजरमेंट करी हो, ठीक है, स्टेपिंग जो अगर हमारा स्लोप्ड मतलब कोई भी एरिया है तो हम वहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें ये सारा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो मतलब रीडिंग अच्छे से पढ़नी है, हमारी जो टेप है उसकी ग्रेजुएशन ठीक हो, तो ये आपके होते हैं कंपेंसेटिंग एरर। एक होते हैं क्यूमुलेटिंग एरर, ठीक है, क्यूमुलेटिंग एरर आपके सॉरी इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आपने इम्प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट हो आपका, या एक नेचुरल एरर होते हैं, नेचुरल एरर में पता क्या आता है, आपकी जैसे वेरिएशन इन टेम्परेचर होगी, ठीक है, विंड वगैरह के साथ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया वेरिएशन टेम्परेचर वेरिएशन की, सुबह के टाइम ठंडा मौसम था तो आपकी जो चेन है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, ठंड के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जब दोपहर का मौसम आया तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, तो उस टाइम क्या हो गया, आपकी चेन थोड़ी इलोंगेट हो गई। फिर आपने अलग अलग रीडिंग्स लेके देखनी है कि हमारा एरर क्या आ रहा है, मतलब ठीक है, हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल्स हैं आपके, ठीक है,
cumulative error में क्या था error can always in the same direction are called cumulative error in each reading the error may be small but large number of measurements are made by may be considerable since the error is always on one side example of such error bad ranging जैसे कि मैंने बताया हमने आपने अच्छे से नहीं कहा कि रोड है वो बिल्कुल हमने चेन जो है वो स्ट्रेट नहीं है आपकी चेन ठीक है इसमें कोई सैग वगैरह है ठीक है सैग मीन्स आपकी चेन थोड़ी ढीली है इनर लेंथ ऑफ चेन ठीक है टेम्परेचर वेरिएशन वेरिएशन इन अप्लाइड गुड नॉन हॉरिजॉन्टल सैग इन द चेन इफ सस्पेंडेड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड सैग भी जैसे मैंने बताया ठीक है उसमें ढीला बना देना ठीक है तो ये क्या थे आपके एरर्स थे और आप इसको क्या बोल सकते हैं ये तो आपके थोड़ी टेक्निकल टर्म्स लिखी हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो इंस्ट्रूमेंटल एरर नेचुरल एरर पर्सनल एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर में वही फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट इन प्रॉपर जो आपकी रेंजिंग रॉड अच्छे से नहीं लगी हुई ठीक है वर्टिकली नहीं है नेचुरल एरर जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन हो गया ठीक है रिफ्रैक्शन हो गया विंड हो गया और जो पर्सनल एरर होते हैं वो जैसे कि मैंने बताया रीडिंग आपने प्रॉपरली अच्छे से नहीं पढ़ी वगैरह ठीक है तो उस तो इसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो ठीक है आपने ट्रू लेंथ निकालनी है स्टूडेंट कॉपी है साथ में नोट करो कॉपी पेन है ट्रू लेंथ लिखो ट्रू लेंथ इज इक्वल टू हमने ट्रू लेंथ निकालनी कैसे है ठीक है अगर हमारा लेंथ में एरर हो तो हमने ट्रू लेंथ कैसे निकालनी ट्रू लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इसको किस हाँ जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही इसको आप कैसे लिख सकते हो TD ठीक है मतलब ट्रू डिस्टेंस और ट्रू लेंथ बोल सकते हो आप ठीक है TD इज इक्वल टू MD जो हमने मेजर्ड लेंथ है या मेजर्ड डिस्टेंस है ठीक है मल्टीप्लाई बाय मतलब ट्रू लेंथ निकालनी कैसे है जो हमने लेंथ मेजर करी है ठीक है मेजर्ड लेंथ है जो मल्टीप्लाई बाय जो हमारी इनकरेक्ट लेंथ है इनकरेक्ट लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे एल डैश से ठीक है और डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ कितनी चेन की सपोज आपने 20 मीटर की चेन यूज करी तो करेक्ट लेंथ क्या होगी 20 मीटर तो आपकी जो इनकरेक्ट लेंथ है वो ऊपर आएगी ठीक है डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ हो गया और जो मेजर्ड लेंथ है ठीक है तो एक होता है एरर इन एरिया उसका भी फॉर्मूला नोट करो ये था आपका एरर इन लेंथ नेक्स्ट है आपका एरर इन एरिया का फॉर्मूला नोट करो इसको क्या करेंगे टी ए इज इक्वल टू मतलब मेजर्ड एरिया जो आपका ठीक है यार नहीं नहीं वो ये आपका है एरर इन एरिया का फॉर्मूला है ठीक है पहले मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल करवाती हूँ न्यूमेरिकल नोट करो हमारी जो करेक्ट लेंथ है वो 30 मीटर है मींस हमारी जो चेन की लेंथ है वो 30 मीटर की चेन हमने यूज करी है ठीक है 30 मीटर आ गया और जो हमारी इनकरेक्ट है
जो इनकरेक्ट है वो कितनी है, मतलब 30 मीटर में क्या करेंगे हम, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन थी हमारी 30 मीटर, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन क्या आएगी, जो चेन है वो कितनी लॉन्ग होगी, 75 mm, मींस 0.075 मीटर, ठीक है। करेक्ट लेंथ थी 30 मीटर, और जब ये थोड़ी ज्यादा बढ़ गई तो बढ़ के क्या हुई, 0.075 मीटर जो है वो लॉन्ग होगी, तो हम इसको ऐड करेंगे इसमें, बिकॉज वो अगर शॉर्ट होगी तो हम माइनस करेंगे, अगर लॉन्ग होगी तो वो क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी ये क्या बन गई, 30.075 मीटर बन गई, ठीक है। ये हमारी आ गई, ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ हमारी क्या आई, 30.075 मीटर। तो हमने वही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, क्या आया हमारी ट्रू लेंथ, क्या आया मेजर लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ, जो जो हमारी क्या आएगी, ट्रू लेंथ आएगी, ठीक है। तो हमारी जो मेजर लेंथ है वो कितनी है, मैंने फॉर्मूला में बताया कि 30 मीटर चेन के साथ हमने जो मेजर करी है वो 845 मीटर की है, 845 मेजर करी है, ठीक है। तो हमारा वो चेन में थोड़ा फॉल्ट आ गया, वो कितना आया था, 0.075 मीटर जो है वो चेन थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। तो मैं इनकरेक्ट लेंथ लिख दूंगी यहाँ पे, 30.075, ठीक है। इसको क्या, किससे डिवाइड करूंगी, करेक्ट लेंथ के साथ। तो इसको कैलकुलेट करो कितने मीटर का आया आपका, आपकी एक्चुअल लेंथ क्या आएगी, ट्रू लेंथ। कितनी आई, 10 मीटर कुछ, और मैंने जब चेनिंग की, चेन सर्वे किया, तो जब मैंने लेंथ मेजर करी तो ठीक है, तो मेरी थोड़े से डिस्टेंस पे कुछ और मेजरमेंट आई, नेक्स्ट उस थोड़े से डिस्टेंस पे कुछ और मेजरमेंट आई, तो उसके भी मतलब अगर हमारी लेंथ वेरिएशन होगी तो उसका भी एक न्यूमेरिकल आई है, तो सिंपल था, एक डायरेक्ट सिंपल लेंथ थी तो उसका निकाल लिया, और एक वेरिएशन वाला भी है, ठीक है, उसमें क्या अगर शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है तो उसमें हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, थैंक यू।